من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برادران عزیز، سورہ بقرہ کی آیت 69 سے سلسلہ کلام کا آغاز ہوتا ہے. پچھلی سورت میں آخری الفاظ یہ تھے کہ اگر یہ لوگ ان احکامات خداوندی کی اطاعت کریں گے تو لَنَهْدِيَنَّهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تو ان کو زندگی کی سیدھی اور توازن بدوش راہ کی طرف ان کی رہنمائی کر دی جائے گی. سورہ فاتحہ میں، جسے ہم نماز کی ہر رکعت میں بھی دہراتے ہیں اور یوں بھی بار بار پڑھتے ہیں، اس میں دعا ہی یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم. صراط مستقیم پر چلنے کی آرزو اور اس راستے کے متعلق جامعہ طور پر یہ کہا کہ یہ ان لوگوں کی راہ ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے نوازتا ہے. ان دو الفاظ کو سامنے رکھیے، اسی صراط مستقیم کے بعد اس کی تشریح ان الفاظ میں آتی ہے کہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. عام ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیق، شہداء، صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں. بات صاف سیدھی اور آسان سی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی کج نگہی نے اسے اس قدر پیچیدہ بنا دیا ہے کہ یہ ہمارے دور کی بڑی اہم آیات میں سے ہو گئی ہے. آپ کہیں گے کہ یہ ہمارے دور کی اہم آیات میں سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور تشریف براری کے بعد، جبکہ دین مکمل ہو گیا، خدا نے جو کچھ انسانوں کو رہنمائی دینی تھی وہ قرآن کریم میں دی اور اس کے بعد اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. نبوت کا خاتمہ ہو گیا، نبی آتا ہی خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے ہے، اور جب وہ پیغام مکمل بھی ہو جائے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا جائے تو پھر کسی نئے پیغام کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب پیغام کی ضرورت نہیں ہوتی تو پیغام بر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ کی کوئی چٹھی نہیں آتی تو آپ کے یہاں چٹھی رسان کاہے کے لیے آئے گا؟ لیکن ہمارے دور میں نبوت کا ایک دعویٰ ہوا، مرزا غلام احمد صاحب نے یہ دعویٰ کیا. اس دعوے میں جہاں اور بہت سے الجھاؤ ہیں کہ صاحب یہ
नबी होने का दावा है, रसूल होने का तो नहीं है। और फिर नबी और रसूल ने फर्क करना शुरू किया। रसूल वो होता है जो साहिब किताब हो, नबी वो है जो साहिब किताब ना हो। दावा तो आलमी नहीं बल्कि नबी होने का, और कैफियत ये कि कुरान करीम की दो आयतें भी सामने नहीं कि जिनमें दोनों मकाम पे ये कहा गया है कि हमने हर नबी को किताब दी, हर रसूल को किताब दी। अब उसके बाद कहना कि नबी वो होता है जिसे किताब नहीं मिलती, कुरान करीम की खुली हुई आयत के खिलाफ है। ज़ेर नज़र आयत जो है ये दूसरी पेश की जाती है इस दावे की तायीद में। कहा देखिए, यहाँ कहा गया है कि जो इताअत करते हैं अल्लाह और रसूल की वो उन लोगों के साथ हो जाते हैं जिन पे खुदा ने इनाम किया, यानी अंबिया, सिद्दीक, शुहदा, सालिहीन। तो देखिए, अल्लाह और रसूल की इताअत से कहा गया है कि वो इनके साथ हो जाते हैं, तो जब वो नबियों के साथ हो जाते हैं, नबी हो जाते हैं सब, यानी एक सिरात मुस्तकीम के ऊपर जो एक कारवा चला जा रहा है और उसके अंदर मुख्तलिफ मदारिस के लोग हैं, जो भी उस राह के ऊपर चला तो वो वही हो गया। ये नहीं कि कुरान ने कहा हसन उलाय कर रफीका, कितने अच्छे साथी हैं ये, रफीक कितने अच्छे हैं ये, लेकिन वो कहते हैं कि बस इनके साथ कोई इस रास्ते पे चला तो चूंकि नबी भी इस रास्ते पे जा रहे हैं, इस रास्ते वो नबी हो जाता है। इनसे पूछिए कि यहीं क्यों रुक गए, सिरात मुस्तकीम पर नबी चलते हैं तो इस सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला नबी हो सकता है, और कुरान करीम में है कि इन्ना रब्बी ला सिरात मुस्तकीम, मेरा रब भी सिरात मुस्तकीम पे है, तो फिर सिरात मुस्तकीम पे चलने वाला रब क्यों नहीं हो सकता, यहीं क्यों रुक गए आप। ग्यारह बटा छप्पन, 11/56, इनसे कहो कि मेरा रब सिरात मुस्तकीम पे है, तो इस दलील को आगे बढ़ाइए। तो दूसरे दलील ये है कि साहब देखिए, कहा है माल्ला जीना अनामल्लाहु अलैहिम मिनन नबीयीन, उनके साथ हो जाते हैं, महा मैयत जहां से लफ्ज है, तो किसी के साथ हो जाने से वो कहती है कि वही हो जाता है। यहां भी उसी दलील को आगे बढ़ाइए, अल्लाह ताला ने कहा होगा माकुम ऐना माकुम तुम, वो तुम्हारे साथ होता है जहां भी तुम होते हो। इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह साबरीन के साथ होता है, तो मा का लफ्ज वही है यहां जो आया है। तो अगर इनकी मैयत से आदमी वही कुछ हो जाता है, तो अंबिया की मैयत से नबी हो गया, खुदा की मुईयत से खुदा बन गया। वो वहीं तक रुक गए और उनके बाद उन्हीं के मानने वालों में ऐसे थे जिन्होंने खुदाई का दावा भी किया। आप गौर कीजिए बिरादराने अजीज, एक गलती के बाद इंसान को उसे फिर जस्टिफाई करने के लिए, उसके लिए जवाब की दलीलें पहुंचाने के लिए किस तरह तिनकों के पुल बनाकर उससे से हाथी गुजारने पड़ते हैं। एक आयत ऐसी मिल गई जिसमें ये कहा कि वो उनके साथ होते हैं, और साथ होते हैं साथ देख लीजिए नबी हो सकता है आदमी।
खुदा का रफीक होना, खुदा का साथ होना इंसान को खुदा नहीं बना देता। अंबिया का रफीक होना, हम उसी रास्ते पे चलना जिस पे वो चलते हैं, इंसान को नबी नहीं बना सकता। यानी जितना भी जिक्र खुदा ने किया है उनमें से वो कुछ वो बन सकता है जो कुछ इंसान अपनी मेहनत से बन सकता है। और जब कुरान करीम ने ये बता दिया कि कोई नबी अपनी मेहनत से नबी नहीं बना करता था, वल्लाहु यख्तसु बिरहमतिहि मन यशा, ये तो मसीहत के एक प्रोग्राम के मुताबिक नबूवत दी जाती थी। और कुरान कहता है कि होने वाले नबी को तो एक दिन पहले इसका इलम नहीं होता था कि मैं नबी होने वाला हूं। ये तो एक अजीब गरीब फिनोमेना था, और चूंकि वो खत्म हो चुका हुआ है इसलिए उस पर बात करने की आज जरूरत ही नहीं है। वरना कुरान करीम बार बार इसकी वजाहत करता है कि नबूवत एक ऐसी चीज है कि जो कसब और हुनर से नहीं मिल सकती, इक्तिसाबन हासिल नहीं की जा सकती, अपनी मेहनत से इंसान नबी नहीं बन सकता। इससे नीचे के जितने दर्जे हैं वो सारे हासिल हो सकते हैं, हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन नबूवत इंसान के अपने जहन की पैदावार, उसके अपने किसी कस्ब हुनर का नतीजा नहीं होती थी। खुदा की तरफ से मोहब्बत थी, इसीलिए तो इसको कुरान करीम ने इंजाल और नजूल से ताबीर किया कि ये एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी थी, खारिज से आने वाली चीज थी। जो चीज मेहनत से कस्ब हुनर से पैदा की जाती है वो इंसान के अंदर से बाहर निकलती है, उसकी अपनी सलाहियतों की डेवलपमेंट होती है। नबूवत की यह कैफियत नहीं थी कि होने वाले नबी के अंदर कुछ सलाहियतें थी, आहिस्ता आहिस्ता उनकी नशो नुमा होती गई और इस तरह से वो नबी बन गया। ये तो तदरीजी नबी है, आहिस्ता आहिस्ता मोमिन से जरा आगे चले, वली का मुकाम आया, फिर मुजद्दद का मुकाम आया, फिर मुहद्दिस का मुकाम आया, उसके बाद जरा और आगे बढ़े, खैर वो कृष्ण कन्हैया का वो भी एक रास्ते में आते हैं कुछ मकामात, और आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता वो नबी हो गए। जैसा मैंने अर्ज किया वो तो कुछ खैर गुजरी कि रुक गए वहां, वरना उसी दलील की रूह से तो खुदा हो जाना भी मुमकिन हो सकता था। और फिर आगे देखिए, मैंने जैसा कई दफा कहा है, ये जितने भी इस वक्त नबूवत के दावे ईरान का बहाउल्ला हो या हमारे यहां के ये हो, ये सब इसलिए है कि दीन का निजाम हमारे सामने नहीं रहा, वरना जरूरत ही न पड़ती आपको किसी आने वाले के इंतजार करने की। ये इसलिए इंतजार की जरूरत पड़ गई कि गड़े में गिर गए और ये बात भुला दी गई कि यहां से हमने अपनी हिम्मत से निकलना है। इधर उधर के गड़े में गिरी हुई कौमें आने वाले का इंतजार कर रही थी, वो आने वाला आ गया था, हिजाज के अंदर कुरान दे गया था, उसके मानने वाली कौम गिरी तो उन्होंने भी दूसरों की तरह इसी तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया, एक आने वाला आएगा हमें भी उठाएगा। अब सब कौमें इस तरह से गड़ों में गिरी हुई इंतजार कर रही हैं, उनमें से जिस जिस कौम को कुछ अकल होश आ जाती है वो समझ लेती है कि गिरे हुए को तो खुद ही उठना पड़ता है, आगे कोई नहीं उठाया करता, वो उठती चली जा रही हैं। जो अभी तक उसी अकीदे के अंदर बैठी हुई है वो उस गड़े के अंदर बैठी हुई दुआएं मांगती चली जा रही है। अब किसी मायूसी का नतीजा है तो कोई यहां से कहता है कि देखो वो आने वाला मैं आ गया, कोई इधर से कहता है कि वो आने वाला वो नहीं मैं आ गया, क्योंकि कौम इंतजार कर रही है
इस वास्ते हर दावेदार का कि मैं वो मुंतजर हूं उसके पीछे लग जाती है। कौम की मायूसी का नतीजा है ये कि इन ये दावे पैदा होते हैं और इन दावों को मानने वाले पैदा हो जाते हैं। लेकिन कितनी बदबख्ती इस कौम की कि तेली भी कीता तो रुखा भी खादा, वो आने वाला आ भी गया और उसके बाद फिर इस गरीब कौम को जूते तो जूते ही पड़ते चले जा रहे हैं। अब तो आखिर में यही हो सकता है कि अगर यही प्रोग्राम है कौम के उठाने का तो एक दिन अल्लाह मियां को खुद आना पड़ेगा, और अगर उसके बाद भी ऐसा ही हुआ तो। बरादराने अजीज, इन लोगों का कसूर है नहीं। कुरान को इस तरह निगाहों से ओझल किया गया और उसकी जगह इस तरह से गैर कुरानी तसव्वुरात दूसरी कौमों से मुस्तार लेके इनके यहां ऐन इस्लाम बना दिए गए कि अब इनमें से हर चीज इस्लामी हो जाती है। आने वाले का इंतजार इस्लामी, हर सदी के ऊपर एक मुजद्दद का आना इस्लामी, फिर वो नबी आता है बगैर किताब के, ये भी वो उधर साहिब किताब ईरान में आ जाता है वो भी, ये सब इन मायूसियों के पैदा करदा तसव्वुरात है। बरादराने अजीज, कुरान करीम सामने होता और वो निजाम जो मुतशक्किल किया गया था कुरान की रोशनी में वो मुसलसल आगे चलता, फिर किसी आने वाले का इंतजार ही ना होता। और जब इंतजार ही ना होता तो ना कोई मुद्दई होता ना कोई उस मुद्दई का इत्तबा करने वाला होता। तो मैंने जो कहा था कि ये आयत हमारे दौर की एक अहम आयत बन गई है, तो वो इस वजह से था कि इस आयत को बतौर दलील पेश किया जाता है नबूवत के दावे में कि देखिए इनाम याफ्ता गिरोह जो है वो खुदा ने नबी सिद्दीक शुहदा सालेहीन गिनाए हैं और कहा है कि खुदा और रसूल की इताअत करने वाला इनके साथ हो जाता है, इनकी रफाकत नसीब हो जाती है। जब इनकी रफाकत नसीब होती है तो फिर ये वही कुछ हो जाता है। फिर अर्ज कर दूं कि जिनकी रफाकत नसीब होती है उनमें से इंसान उतना ही कुछ बन सकता है जितना अपने कस्बो हुनर से बन सकने का इम्कान है। जो बन नहीं सकता वो ये बन ही नहीं सकता। ये देखिए यही अल्फाज दूसरे मकाम पे भी आए हैं कि वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइका हुमुस सिद्दीकून व शुहदा इंदा रब्बिहिम 57/90। जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाते हैं ये वो लोग हैं जो सिद्दीक हैं और शुहदा हैं, अंबिया नहीं है यहां कहा गया। ये जो थे नबी सिद्दीक शुहदा और सालहीन, तो सालहीन तो कुरान में कदम कदम पे है, आमनु वामिलु सालिहात। बाकी जो तीन इसमें कैटेगरीज गिनाई गई अंबिया सिद्दीक और शुहदा, और इस आयत के अंदर ये तो कहा कि वो सिद्दीक भी हो सकते हैं वो शुहदा भी हो सकते हैं, ये नहीं कहा गया कि वो नबी भी हो सकते हैं। कहा यह गया है इस आयत में कि जो भी इस निजाम खुदाबंदी की अतायत करेगा वो इस जुमरे में शरीक होता चला जाएगा जो सिरात मुस्तकीम पे चलने वाला है, कारवान इंसानियत। इसमें सबसे आगे आगे इमामत और क़यादत अंबिया इकराम के हिस्से में आई जो खुदा की तरफ से मबूस होते थे, और उसके बाद इंसानों में से जिन्होंने उनकी अतायत की उनके मुख्तलिफ मदारिज होते चले गए। मदारिज क्या, ये तो उनके फ़राइज़ ही की कुछ तकसीम नजर आती है। सिद्दीक वो जो अपने जान देकर अपने दावे ईमान की सदाकत बहम पहुंचा दे, शुहदा इस निजाम के वो कारकरदाज हैं जो निगरानी करते हैं कि ये निजाम सही खतूत पर मुतशक्किल हो और आगे चलता जाए, और सालहीन इस जमात के आम अफराद हैं कि जिनकी सलाहियत नशो नमा पाती हैं और कायनात को संवारने वाले काम करते हैं। ये वो लोग हैं कि जिनकी रफाकत नहायत हसीन है
ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس طرح سے اس نظام کی ہدایت کرنے سے ان کی معیت، ان کی رفاقت نصیب ہو جاتی ہے اور انسان زندگی کے صحیح سیدھے توازن بدوش راستے پر چل نکلتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور یہ چیز یوں ہی اندھا دھند نہیں ہو رہی، بلکہ خدا کا وہ پروگرام جو اس کے علم پر مبنی ہے، اور وہ علیم کے مسلسل علم رکھتا ہے، یہ نہیں کہ کسی ایک وقت میں کسی بات کا علم رکھا اور دوسرے وقت میں پھر ناعلمی ہو گئی، یہ ہے اس کا پروگرام، مسلسل ایک علم کا پروگرام ہے جس کے مطابق یہ سب کچھ چلتا ہے۔ اب اس پروگرام یا اس نظام کے متعلق آگے بات چلتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیع۔ جیسا کہ آپ احباب کو اب معلوم ہے، اسلام ایک مذہب نہیں کہ انفرادی طور پر اپنے اپنے گوشے میں بیٹھ کر اپنے ذہن کو مطمئن کر لیا کہ ہمارا خدا کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ایک زندگی کا نظام ہے، یہ ایک سوشل آرڈر ہے، یہ ایک نظام مملکت ہے جو خدا کے قوانین پر متشکل ہوتا ہے۔ اس کا قائم کرنا ضروری اور پھر اس کا مستحکم رکھنا نہایت ضروری، اور اس کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ جتنی قوتیں اس کو توڑنے کے لیے آئیں، اسے خراب کرنے کے لیے آئیں، اس میں کمزوری پیدا کرنے کے لیے اٹھیں، ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اسی لیے کہا کہ اے ایمان والو، جب تم اس نظام کو قائم کرو تو پھر اس کی حفاظت کے لیے اپنی مدافعت کا پورا پورا سامان تیار رکھا کرو، ضرورت ہو تو چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کی حیثیت سے باہر نکلو، ضرورت پڑے پوری کی پوری اپنی جمعیت لے کے اس کے لیے باہر نکلو، لیکن اس کی مدافعت، اس کی حفاظت نہایت ضروری ہے کہ اگر اس نظام کی حفاظت تم نے نہ کی تو یہ جس مقصد کے لیے یہ دین دیا گیا تھا وہ مقصد ہی پورا نہیں ہوگا۔ یہ تو وہ جماعت ہو گئی کہ جو اس کی حفاظت میں ہر وقت کف بکف کر بکف تیار رہتی ہے، اور ضرورت پڑنے پر اپنی جان دے کر اپنے اس دعوی ایمان کی صداقت باہم پہنچاتی ہے۔ لیکن اب قرآن بتاتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر کچھ اس قسم کے لوگ بھی ہوں گے جو ڈھل مل یقین ہو، تذبذب ہو ان کے اندر، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا۔ کیفیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی ایسا وقت آتا ہے جب اس نظام کے استحکام کے لیے، مدافعت کے لیے، مقابلے کے لیے باہر نکلنا ہوتا ہے، کسی قربانی کا وقت آتا ہے، ایثار کا وقت آتا ہے، اس قسم کا مطالبہ ہوتا ہے، تو وہ خود بھی چونکہ تذبذب میں ہوتے ہیں، کمزور ہوتا ہے یقین اور ایمان ان کا، تو وہ خود بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، دیر لگاتے ہیں، مختلف قسم کے بہانے تراشتے ہیں، اور اس طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ کچھ دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ ہو جائیں جو اسی طرح سے پیچھے رہ جائیں، آگے نہ بڑھیں۔ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب یہ جماعت اس مقابلے کے لیے آگے بڑھتی ہے
तो वहां अगर इन पर कोई मुसीबत बढ़ती है, इनको तकलीफ उठानी पड़ती है, इन्हें कोई शिकस्त होती है, तो वो कहते हैं कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है साहब कि हम इन लोगों के साथ नहीं गए थे। वलाइन असाबकुम फजलुम मिन अल्लाह, और अगर वहां तुम्हें कामयाबी होती है, कुछ हासिल होता है, ला यकूलन्ना तअल्लम तकुम बैनकुम व बैनहु मुद्दतन या लैतनी कुंतु माहुम फअफूजा फौजन अजीमा। तो उस वक्त ये यूं कहते हैं कि ओहो, अगर हम भी इनके साथ होते तो इसमें हम भी शरीक होते, हमें भी इसमें हिस्सा मिलता। और ये बातें ऐसे करते हैं जैसे तुम में और इनमें कोई ताल्लुक ही नहीं, दावनी किसी किस्म का रबता ही नहीं, कोई मुद्दत ही नहीं। हालांकि दावा इनका यही होता है कि ये इस जमात के अफराद हैं, इन्हीं में से हैं, एक ही निजाम है इनका, एक ही तस्बीह के दाने हैं। जुबान से दावा ये होता है लेकिन अमलन कैफियत ये कि अगर कहीं फायदे की सूरत हो तो उसमें तो ये तुम्हारे साथ है, अगर कहीं नुकसान का खदशा हो तो उस वक्त तुम्हारा साथ देते ही नहीं है। ये जो कैफियत है कि ठीक है साहब, सच बोलना, ईमानदार रहना, इंसाफ करना बड़ी अच्छी खूबियां हैं, लेकिन ये सब उस वक्त तक जब ऐसा करने से उसको खुद फायदा होता, और अगर इससे नुकसान होता हो तो फिर ये सारी चीजें बालाए ताक रख दी जाती हैं। इसका इंतजाम ईमान कैसे हो सकता है? ये तो बहरहाल बिजनेस है, हर बिजनेस वाला यही करता है, जिस तरीके से उसको ज्यादा फायदा पहुंचता है वो तरीका इख्तियार कर लेता है। अगर किसी वक्त सच बोलने से फायदा होता है, सच बोला जाता है, फिर साथ उसके बहुत बड़ा नेक भी बना जाता है, और अगर सच छोड़ देने से फायदा होता है तो उसे छोड़ दिया जाता है। जब पूछा जाए तो कहा जाता है सर दुनिया की आम रविश ही आज ये है, मैं कोई अनोखा ये कुछ कर रहा हूं, इसे ईमान नहीं कहा जा सकता। मेरा बराने ईमान तो किसी असूल पर मुस्तहकम यकीन का नाम है, और अगर उस यकीन में ही तजब्ज़ुब और शक और रैब और इस्तिराब पैदा हो जाए वो ईमान रहता ही नहीं है। तो कुरान कहता है कि इनमें किस किस्म के भी लोग हैं। अब ये देखिए इस किस्म के लोगों के मुतल्लक कुरान करीम ने बताया क्या है, बड़ी ही दूर रस हकीकत है, और उन लोगों के साथ सही जमात मोमिनीन का ताल्लुक क्या बताया। कहा कि फल युकातिल फी सबीलिल्लाह अल्लज़ीन यशरून अल्हयात अद्दुनिया बिल आखिरा, वो लोग कि जो इसी दुनिया के पेश का उफ्तादा मफाद को सामने रखते हैं और मुस्तकबिल की जिंदगी को नजरअंदाज कर देते हैं, जिनके पेशे में जब दुनियावी मता ही का असूल होता है, खा वो किसी तरह से क्यों ना हासिल हो जाए। कुरान कहता है कि ये तुम में से नहीं है, बल्कि इतने मुखालिफ हैं कि इनके खिलाफ तुम्हें जंग करना पड़ेगा। ईमान के तो माने ही ये है कि जिंदगी के चंद असूल कुछ मुस्तकिल अकदार, गैर मुतबद्दल, हमेशा के लिए यकसा रहने वाली, ये यकीन, ये ईमान, ये दावा, ये इकरार और ये इकरार कि मैं इनके मुताबिक जिंदगी बसर करूंगा, खा उसके नतायज यहां कुछ भी क्यों ना निकले। इसलिए कि यकीन और ईमान ये है कि इनके नतायज आखरुल अमर मेरे लिए फायदेमंद है। अब उस फायदे का तयन जो है ये अलग बात हो गई, कोई पेशता उफ्तादा मफाद यहीं के ही हासिल करने को फायदा कहता है, कोई ये कहता है कि अगर इसमें किसी हद तक नुकसान भी हो लेकिन मेरा मुस्तकबिल, उखरवी जिंदगी, मेरी जात की नशो नमा होती चली जाए, वो है सही फायदा। कुरान कहता है ये है दो गुरुह, जो लोग इस मुस्तकबिल को, फ्यूचर को बेच डालते हैं किसी इमीडिएट गेन के लिए, ये वो लोग हैं कि जिनके खिलाफ तुम्हें जंग करना पड़ेगा।
وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. جو بھی خدا کے راستے میں اس طرح جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے پھر وہ وہاں قتل ہو جائے یا غالب اور منصور واپس آئے، دونوں صورتوں میں اس کو بہت بڑا اجر ملتا ہے. یہاں سے بات سامنے آئی ہے جنگ کی. اگرچہ یہ ایک مستقل موضوع ہے اور خاصی تفصیل چاہتا ہے، میرے سامنے ہے یہ بات کہ اس موضوع کو ہمیں ایک دن درس میں یا کسی اور جگہ لانا ہے. بڑی اہم چیزیں قرآن اس بات میں پیش کرتا ہے. سردس ایک آیت سامنے آتی ہے اور وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس جماعت مومنین کو جنگ کی اجازت کن حالات میں دی جاتی ہے اور جنگ ضروری کن حالات میں ان کے لیے ہو جاتا ہے. یہ بڑی اہم چیز. جنگ کی اجازت کی آیت تو سورہ حج کی ہے، 22:39، 22:39. 13 سالہ مکہ کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جماعت صحابہ کی تاریخ کے اوراق پر موجود ہے. وہاں پوری کوشش کی گئی کہ ان لوگوں کے غلط تباہ کن، انسانیت کو تباہ کرنے والے عقائد رسوم وہ بدل دیے جائیں اور انہیں صحیح راستے پہ چلایا جائے. وہ اس کے لیے تیار نہ ہوئے اور انہوں نے ہر ممکن مخالفت کی اس دعوت کو پہنچانے والوں کی، حتیٰ کہ وہاں سے گھر بار چھوڑ کر انہیں آ جانا پڑا، ہجرت کر کے مدینے آ گئے. انہوں نے یہاں بھی پیچھے نہ چھوڑا، ایک عظیم لشکر لے کر مدینے کی طرف وہ بڑھ آئے. اس زمانے کی حالات کے مطابق ایک چھوٹے سی قطع زمین میں ایک بستی پر 1,000 آدمی کا لشکر بھی بہت بڑا لشکر ہوتا تھا. وہ دور ابھی آج کے مہذب انسان کا نہیں تھا کہ ایک ایک یورش کے اندر، پچھلی جنگ میں سنا ہے کہ تقریباً 1 کروڑ انسان مارے گئے تھے یا زخمی ہوئے تھے. 1,000 کا لشکر جرار فوج کجی کر کے آتا ہے. یہ وہ وقت ہے جب پہلی دفعہ کہا جاتا ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. ہاں، یہ جن کے خلاف اب یوں جنگ کرنے کے لیے وہ امید آئے ہیں، انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ یہ بھی اپنی مدافعت کے لیے اب جنگ کے میدان میں آ جائیں، اس لیے کہ ان پر بڑی زیادتی ہوئی ہے. آگے ہے للذین اخرجوا من دیارہم. یہ وہ لوگ ہیں مظلوم کہ جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا. کیوں نکالا گیا؟ بغیر حق، نہ حق وہاں سے نکالا گیا. الا ان یقول ربنا اللہ، ان کا جرم فقط یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب ہمارا اللہ. یہ ہے جہاں اجازت مل رہی ہے کہ جن لوگوں پر اس قدر ظلم اور زیادتی ہوئی، گھروں سے نکالے گئے صرف اس جرم کی تعداد میں کہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. اب ان کے خلاف چڑھ دوڑے ہیں اتنے عظیم لشکر، تو انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ یہ اپنی مدافعت کے لیے میدان میں آ جائیں. بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے. تو اجازت تو وہاں آئی کہ جہاں کسی پر اتنا ظلم ہو رہا ہو
کہ اب اس کے لیے موت اور حیات کا فیصلہ ہی باقی رہ جائے تو وہ وہاں اپنی مدافعت کے لیے ظلم کو روکنے کے لیے اٹھے. ایک تو یہ چیز ہوئی اور اس سے آگے دوسرا قدم ہے وہ یہ کہ مکے میں جتنے رہ گئے ان لوگوں پر محض اس لیے ظلم ہو رہا تھا ان مسلمانوں پر کہ یہ ان میں سے کیوں ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی دعوت دی اور وہ جو اب مدینے چلے گئے یہ جو باقی پیچھے رہ گئے تھے ان سے بے حد مظالم ہوتے تھے. تو جب انہوں نے اپنی مدافعت کا انتظام کیا تو اب وہاں یہ آیت آگے آتی ہے, یہی سورہ نساء کی 75ویں آیت جو ہم مسلسل جو سامنے آ رہی ہے, وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نہیں نکلتے؟ اب یہاں فی سبیل اللہ کہا, اب بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ فی سبیل اللہ معنی کیا ہے, اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے کیوں نہیں نکلتے. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. حالانکہ کیفیت یہ ہے کہ اس بستی کے رہنے والے, وہاں کے مرد, عورتیں, بچے, ان کو کچل کچل کر کمزور کیا جا رہا ہے اور وہ دہائی دے رہے ہیں کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے, ہمیں اس بستی سے کہ جس کے رہنے والے اس قدر ظلم پر اتر آئے ہیں کسی طرح ہمیں اس بستی سے نکال لے. وجعلنا من لدنک ولیا وجعلنا من لدنک نصیرا. اپنے ہاں سے کوئی ہمارا مددگار دے, اپنے ہاں سے کوئی ہمارے سرپرست بنا دے. بات کیا ہوئی کہ اگر کسی مقام پر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہاں کے رہنے والوں پر دوسرے لوگ اس قدر ظلم اور استبداد کریں, انہیں کچل کچل کر کمزور کیا جائے, وہ دہائی دے رہے ہوں کہ دنیا میں کوئی تو ہمارا سرپرست اور کوئی تو ہمارا حمایتی اور مددگار ہو, ایسے اوقات میں یہ جماعت جو دنیا میں ظلم کو مٹانے کے لیے وجود میں آئی ہے, اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ ان مظلوموں کی امداد کے لیے خود جا کے اپنی جان دے دے اور ان کو نکال لے وہاں سے, ان کا ظلم مٹا دے. یہ دونوں چیزیں سامنے رکھیے تو اسلام میں جنگ کا فلسفہ بالکل صاف ظاہر ہو جاتا ہے. اس نظام خداوندی کے خلاف یورش کرنے والے, ان کے خلاف زیادتی کرنے والے, اس کی مدافعت کے لیے جنگ, اور اس کے بعد جب اس کا استحکام ہو جائے تو دنیا میں جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے وہ مظلوم, ضعیف, ناتواں اور کمزور جب مدد کے لیے کسی کو پکارے تو اس وقت یہ جماعت ان کی مدد کے لیے اٹھے. دو ہی ہیں قرآن کی روح سے یہ جواز کے وجوہات جنگ کے لیے. اسے کہا گیا ہے فی سبیل اللہ, یعنی دنیا میں مظلوموں, کمزوروں اور ناتوانوں کی فریاد پر اٹھ کر ظلم کو مٹانے کے لیے جنگ کرنا, یہ اللہ کے راستے میں جنگ. اسی لیے کہا کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, یہ پھر وہی الفاظ آ گئے. جماعت مومنین ہمیشہ اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے اٹھتی, اور اللہ کی راہ کی تفسیر پہلی آیت میں آ گئی. اپنی مدافعت کے لیے جبکہ دوسرا اس پر چل رہا, مظلوم کی مدد کے لیے جب کوئی اس کی سرپرستی کے لیے اٹھنا رہا, اس مقصد کے لیے اگر قوت کا استعمال کیا جائے تو یہ قرآن کی روح سے خدا کے راہ میں جنگ ہے. اور اگر یہ نہ ہو, والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت,
इस रास्ते के अलावा किसी और रास्ते के लिए जंग करना कुफर। फकातिलु औलिया शैतान इन्ना कैद शैतान काना ज़ईफा। ये लोग जो इस तरह से कवानीन खुदाबंदी से सरकशी बरत रहे हैं, कमजोरों और नातवानों से जुल्म और इस्तेबाद कर रहे हैं, इनके खिलाफ जंग करो, घबराओ नहीं। इनकी तकदीरें बजाहर बड़ी मोहकम नजर आती हैं इन मुखालिफीन की, लेकिन जब तुम उठोगे इन खिलाफ तो इनके खिलाफ तो देखोगे कि ये तकदीरें बड़ी ही कमजोर थीं। ये जंग के मुतल्लिक कुरान की रहनुमाई आती है। अब फिर इसी जमात का जिक्र आ रहा है जिसमें कुछ लोग तो वो हैं कि जो इन चीजों पर पुख्ता यकीन रखते हैं और वो अपने असूल की मुदाफियत में किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन इसके बाद दूसरी वो जमात है जिसका जिक्र ये किया कि जब तक तो मरहला ऐसा हो कि इस निजाम में किसी किस्म का कोई खतरा उन्हें महसूस ना हो, किसी किस्म का अंदेशा नजर ना आए, या तो महज नजरी तौर पर इसके मुतल्लिक दरस्त-ओ-दरीसी हो रहा हो, या वो इब्तदाई मराहल हो जो मक्के के अंदर पेश हुए थे कि किसी के साथ उठकर तकादम और तजाहम या क्लैश का वक्त नहीं आया था, तो उस वक्त तो इस जमात के साथ रहा जाए और उसके बाद अगर मुकाबले का वक्त कहीं आ जाए तो मैदान छोड़कर भाग जाए। इन लोगों को कुरान ईमान वाले गिनता ही नहीं। अलमतर अल्लज़ीना क़ीला लहुम कुफ़ू अयदियकुम, कि उस दौर में जब कहा गया था कि नहीं हाथ रोक कर रखना है, तुमने इसके आगे नहीं बढ़ना, तुमने किसी के खिलाफ जंग नहीं करना, व अकीमु सलात व आतु ज़कात, इस निजाम का इस्तेहकाम करते चले जाना है, अंदरूनी तंजीम करते चले जाना है, ऑर्गेनाइज होते चले जाना है, इस फिक्र को आम करते चले जाना है। ये जो इब्तदाई स्टेजेस होती हैं इस निजाम की, यहां तक जब तक ये कैफियत रही तो वो साथ रहे। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौना अन्नास कख़शयतिल्लाह औ अशद्द ख़शिया, और जब ये वक्त आया इस मुदाफियत के लिए या जुल्म को रोकने के लिए तुम्हें मैदान में जाना पड़ेगा, तो कैफियत ये कि कांपने लग गए, डरने लग गए, लोगों से डरने और कांपने लग गए। हालांकि डरना और कांपना तो खुदा के कवानीन की खिलाफ वर्जी के नतायज से चाहिए। वकालु रद्दना लिमा कतबता अलैना अल-क़िताल, और कहने लगे कि साहब ये अच्छा खुदा है कि जंग करने हम पे फर्ज करार दे दिए, हमारे अल्लाह ये क्या मुसीबत आ गई हम पे, ये क्यों तूने फर्ज करार दे दिया, वो बड़ा अच्छा था मरहला। तो यूं ही फिक्री नजर अशायत होती थी, वाज नसीहतें होती थी, बड़े उमदगी से अपने अपने हाँ बैठे हुए सवाब कमा रहे थे, जन्नत हासिल हो रही थी, बैठे बताए साहब जंग का हुक्म आ गया, दुहाई दे रहे हैं कि हमारे अल्लाह ये क्या कर दिया तूने, कितना अच्छा मजहब था, कितना अच्छा एक माशरा चला आ रहा था, नजात हो रही थी, सदका दिया, खराब दिया, कुछ नमाजें पढ़ी, कुछ नवाफल पढ़े, कुछ विर्द किए, कुछ वज़ाइफ किए, ज़कात पे कुछ ईमान लेके आ गए, बड़े मजे में बैठे उठे हुए थे, बहिश्ते फी सबीलिल्लाह मस्त, खुदा वास्ते की एक जन्नत मिल रही थी, बैठे बैठाए या अल्लाह क्या हुआ, ये जंग करने का हुक्म दे दिया, क़यामत आ गई, अच्छा दीन है क्या, हमने ये समझ के इसे थोड़ा कबूल किया हुआ था। कितनी अजीब नफ्सियात की कैफियत कुरान बयान करता चला जाता है। रब्बाना लेमा कतब का अलैहिमुल क़िताल, ये क्या कर दिया तूने, लाओ ला अख़रतना इला अजलिन करीब, अगर ये फर्ज करार ही देना था तो थोड़ा अरसा ठहर तो जाता,
कि ये इतनी जल्दी हाँ, और यही तो था इनमें से जो वो कह गया था कि क्यों मरे जाते हो नासी कभी, जल्दी क्या है, तुमने होना हो तो खा पी के मुसलमान हो ना। वो कहते हैं इतनी जल्दी कर दी, हुक्म देना भी था तो जरा तो ठहर जाते, कुछ खा पी तो लेते, कुछ और दौलत तो लेट लेते, कुछ और इकट्ठा कर करा लेते। अब देखिए साहब, इधर से हम यूं आए और सर मुड़ाते ही होने पड़े और झट से ये जंग का हुक्म दे दिया, ये तो कुछ अच्छी बात नहीं हुई है। यू आर नॉट प्लेइंग द गेम। कुल मताउ दुनिया कलील, इनसे कहो मोहलत मांगते हो कि कुछ और समेट लेते, जितना जी चाहे समेट लेते, मुस्तकबिल की इस रखसंदगियों के मुकाबले में ये जितना भी तुम कुछ ले लेते इसकी कीमत कुछ नहीं थी। वल आखिरत खैरुल लमन तकाओ, मुस्तकबिल उन्हीं के लिए है जो कवानी ने खुदाबंदी की निगहदाश्त करते हैं। वला तुज़लमूना फतीला, ये वो लोग हैं कि जिनके अमल के अजर में जरा बराबर कमी नहीं की जाती। दीन तो नाम ही इस मुआहदे का है बिरादराने अजीब कि इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। ईमान नाम इस चीज का है कि मैंने अपना माल और जान खुदा के हाथ बेच दिया और उसके मुआवजे में जन्नत खरीद। इस मुआहदे का, इस ईमान का नाम है इस्लाम। बेच दिया मैंने अपने अमवाल और जान को, और दूसरा मैंने कहा ना कि बेअन्ना लहुमुल जन्ना, एक जन्नत तो ये मिलती और दूसरे वही बहिश्ते फी सबीलिल्लाह, वो एक अल्लाह वास्ते की जन्नत मिलती। ये जो आपको एक हजूम और भीड़ नजर आ रही है 50-60 करोड़ के करीब, कहते हैं कि इस वक्त भी दुनिया में है अल्लाह के फजलो करम से ये मुसलमान, ये सब बहिश्ते फी सबीलिल्लाह वाले, अल्लाह वास्ते की जन्नत मिल, बड़ी आसानियों से ये चीज मिल जाती। चंद खुद फरेबी के गलत मोतकेदात, चंद निगाह फरेब नजरियात, उनको रखिए, कुछ रस्मी सी इबादात, कुछ इस किस्म की रसूमात, इनको अदा कर दीजिए, इनके बदले में। और अगर ये भी ना हो और कुछ कमी रह जाए तो फिर कयामत के मैदान में वो शफात को मौजूद है। कोई एक मुसलमान भी आखरुल अमर जन्नत जहन्नम के अंदर नहीं रहेगा, एक एक करके वहां से निकाल के जन्नत में भेज दिया जाएगा। ये चीजें जेहन में रखने से बिगड़ता क्या है, इसमें लगता क्या है। लेकिन जिसे आपने ईमान या इस्लाम कहा है वो शहादत गए उन सब में कदम रखना है। इसी चीज को उसने दूसरे अंदाज में कहा है कि चुमी गोयम मुसलमानम दिलर्जम, जब मैं कहता हूं मुसलमान हूं तो कांप उठता हूं, किदान मुश्किलात ला इलाहा, ला इलाह की मुश्किलात का मुझे एहसास, दुनिया में कोई कुव्वत ऐसी नहीं जिसके सामने झुका जाए, सिर्फ खुदा के कवानीन के सामने झुकना। एतराफ ये, और उसके बाद अमलन जान और माल को बेच देना दूसरे के हाथ में। ये थी जमात बिरादरान अजीज जो इस्लाम कायम करने के लिए आया था, ये थी जिन्हें कहा गया था
कि कहीं से मजलूम मदद के लिए पुकारे, तुमने ये देखना ही नहीं कि वो कौन पुकारने वाला है, देखना ये है कि मजलूम है वो और उसकी मदद के लिए तुमने पहुंच जाना है। गालिब मंसूर आ जाओ तो वहां जान दे दो, तो दोनों मानों में तुमने अपना फरीजा अदा कर दिया। ये थे सिद्दीक, जाने देकर अपने ईमान की सदाकत की शहादत बहम पहुंचाने वाले। ये थे शुहदा अलन्नास, तमाम अकवाम आलम के अमाल की निगरानी करने वाले के कहा कोई कहीं कोई जुल्म तो नहीं कर रहा, कहीं ज्यादती तो नहीं किसी पर हो रही। ये जो आज धुंधला सा फरीजा एक यूएनओ का समझा जाता है कि किसी ऐसी जमात का वजूद बड़ा जरूरी है जो ये देखती रहे कि दुनिया में अकवाम आलम कुछ ज्यादती तो नहीं कर रहे, तसव्वुर धुंधला सा है, इफेक्टिव नहीं है। ये एक दूसरा मौजू होगा जिसमें मैं अर्ज करूंगा कि कौमों के मामले उन्हीं कौमों के नुमाइंदों से हल नहीं हो सकते। वहां फिर वही सूरत है कि जिसके पास कुव्वत है उसी की लाठी की भैंस होती है, कमजोर को वहां भी कोई नहीं पूछता। लेकिन ये तसव्वुर सबसे पहले कुरान ने दिया। कजाने का जालना तुम उम्मतन वसत ले तो कून शोहदायलन्नाथ, तुम्हें हमने एक बैनुल अकवामी कौम बनाया है ताकि तुम पूरे नौ इंसानी के अमाल की निगरानी कर सको। कुरान अनविशेष करता है किस किस्म की कौम को वो रखना चाहता है। वो कहते हैं अकवाम आलम में अमन उसी सूरत में कायम रह सकता है कोई एक जमात ऐसी हो जो निगरानी करे उनके अमाल की। इस मकसद के लिए इस जमात को बनाया गया था। तो सोचिए तो सही कि क्या निस्बत है उस ईमान और इस्लाम वाली जमात को इस मौजूदा मुसलमान को, उसके साथ निस्बत क्या है। वो अमाल, वो अकवाम आलम के अमाल की निगरानी करने वाले, ये तमाम अकवाम के पीछे चलने वाले, उनकी कैफियत ये कि जहां कहीं दुनिया में जुल्म होता हो मजलूम की मदद को पहुंचने वाले। इनकी हालत ये कि सारी उम्र चीखने वाले कि हम मजलूम हैं, कोई हमारी मदद को पहुंचे। यह बिरादरान अजीब वो कैफियत। इस मकसद के लिए ये कौम वजूद में आई थी। और उसके बाद कुरान ने मौत और जिंदगी का एक बुनियादी फलसफा बयान किया। ऐन मातकून युद्रिक को मुल मौत व नौ कुन तुम फी बरूज मुशैयद। वो कहता है इसे तो तुम में से हर फर्द जानता है कि मरना है उसे एक दिन, कोई फर्द तभी मौत से बच सकता नहीं। वो कहता है जरा सोचो तो सही कि एक मौत वो आ जाए जिसमें तुम मजबूर हो, आके रहनी है। वो कहता है तुम कितने ही मजबूत किलों के अंदर क्यों ना जा घुसो, वो तुम्हारा पीछा करके रहेगी, वो पकड़ के रहेगी तुम्हें। किस कदर मजबूरी की मौत है। और एक मौत वो है कि अपने इख्तियार से खुद जान देता है इंसान हक और इंसाफ की मुदाफियत के लिए। वो कहता है मरना तो दोनों नहीं है, सोचो तो सही, एक मर्गे मजबूर एक मर्गे मर्गे बाख्तियार। ये फर्क है बिरादरान अजीज। इस तरह से जान देने वाले को जो कहता है कि ये तो मरता ही नहीं है, मरता तो वो है जो मौत से भागा भागा फिर रहा था और उसके बाद झपट लिया उस मौत ने, रो रहा है चीख रहा है, वो छोड़ नहीं रही इसको। कहता मरता तो ये है कम्बख्त, उसे मुर्दा कहते हो जो हंसते हुए खुद अपने इख्तियार इरादे से अपनी जान दे रहा है। और दूसरा मजबूरन उस जान को दे रहा है। वही चीज जो इकबाल ने कही कि खोल के क्या बयां करूं सिर्रे मकाम मर्गो इश्क, खोल के क्या बयां करूं सिर्रे मकाम मर्गो इश्क
इश्क है मर्ग बाशरफ, मर्ग हयात बेशरफ। हयात बेशरफ मौत है, मर्ग बाशरफ हयात है। और किसने हसीन अल्फाज ने कुरान में कहा कि ऐना मा तकूनु युद्रिककुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूज मशय्यद। मौत से बचना चाहते वो तो झपट लेगी तुम्हें, जहां कहीं जी चाहे तुम्हारे चले जाओ। और इस तरह से मौत से डर के भागने वाले मरने वाला जो तू है, तू तो जिंदा ही मर चुका हुआ है, उसकी मौत को देख किस कदर काबिल रश्क है कि वो खुद अपने इख्तियार इरादे से एक मकसद के हुसूल के लिए, एक मुस्तकिल कदर की हिफाजत के लिए जान को दे देता है। नकारे मर गए मोमिन बात हो गोयम तू मर गायद तबस्सुम बर लबे हो। मोमिन की निशानी मुझसे पूछता है, जब मौत आती है वो मुस्कुराता है। अपने इख्तियार से जब जान देता है तो मुस्कुराना तो ये हुआ ही। चीखता तो वो है कि जो भाग रहा है और मौत झपट लेती है उसे। इससे आगे बिरादरान अजीज दो आयात आई हैं, उसमें तकदीर का फलसफा बड़े अजीब अंदाज से सामने लाया गया। पहले ये कहा कि ये जो मौत से भागने वाले हैं, मारे मारे कशा कशा इस तरह से साथ लाए गए हैं, उनकी कैफियत ये है कि वह इन तुसिब हम हसना तुम यकूल हाज ही मिन इंदिल्ला व इन तुसिब हम सैय तुम यकूल हाज ही मिन इंद। इनकी कैफियत ये है कि अगर वहां इनको कुछ मफाद हासिल हो जाते हैं तो ये कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से हमको मिल गया, अगर वहां कभी कोई तकलीफ आ जाती है तो वो ए रसूल तुम्हें उसका जिम्मेदार करार देते हैं कि तुम हमें मैदान जंग में ले आए और उसकी वजह से हमें मुसीबत आ गई, ये मौत आ गई, ये सब कुछ हुआ। ये उनकी तरफ से ये कौल उनका बताया गया कि इनकी कैफियत ये है। इन चीजों को दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं कि आगे है कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह। इनसे कहो कि नहीं, मैं पहले तर्जमा ही आम करता हूं फिर बात बताऊंगा। इनसे कहो कि नहीं, हर चीज अल्लाह की तरफ से, आम तर्जमा। फमाल हाउलाइल कौम ला यकादूना यफ्तहूना हदीसा। इन्हें क्या हो गया है कि एक आसान सी बात वो भी नहीं समझना चाहते, समझना चाहते नहीं है। यहां कहा था कुल कुल मिन इंदिल्लाह, इनसे कहो कि हर बार अल्लाह की तरफ से। और उसके बाद है मा असाबा का मिन हसनत फमिन अल्लाह व मा असाबा का मिन सैयत फमिन नफ्सिक। जो अच्छी या भलाई की बात तुम्हें पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से होती है, जो मुसीबत तुम्हें पहुंचती है वो तुम्हारी अपनी लाई हुई होती है। अब यहां आमतौर पर ये उलझाव पैदा होता है कि पहले तो ये कहा कि हर बात अल्लाह की तरफ से होती है, उसके बाद ये कहा कि नहीं, जो खुशगवार चीजें हैं वो अल्लाह की तरफ से होती हैं, जो परेशानियां मुसीबतें आती हैं वो तुम्हारी अपनी वजह से आती हैं। तो कहते ये हैं कि साहब यहां तो खुला हुआ तदाद है, एक ही आयत में एक ही सांस में एक तरफ ये कहा गया कि हर बात अल्लाह की तरफ से, उसके साथ ये कहा गया कि नहीं भलाई अल्लाह की तरफ से, मुसीबत और तकलीफ तुम्हारी अपनी तरफ से, तो ये क्या बात हुई। बात बड़ी साफ है, दुनिया में हर अमल का नतीजा खुदा के कानून के मुताबिक मुरतब होता है। ये एक बुनियादी हकीकत है, हर अमल का नतीजा खुदा के कवानीन के मुताबिक। कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, ये इसके माने हुए। हर अमल का नतीजा कानून खुदाबंदी के मुताबिक।
अब उसके बाद मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, अल्लाह के कवानीन के मुताबिक अगर जिंदगी बसर करो तो उसका नतीजा खुशगवारियां ही खुशगवारियां, ये भी उसके कानून के मुताबिक। और अगर उसके कानून को छोड़कर खुद अपनी मर्जी से तुम कुछ करने लग जाओ, उसका नतीजा तकलीफें और मुसीबतें। फमा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, जो काम खुदा के कानून के मुताबिक करो उसका नतीजा खुशगवारियां। उस कानून को छोड़कर अपनी मर्जी के मुताबिक चलना शुरू करो उसका नतीजा परेशानियां और मुसीबतें। लेकिन दोनों अमाल का नतीजा बहर हाल खुदा के कानून के मुताबिक। प्यास में एक गिलास पानी का पी लीजिए, हयात बख्श, ये भी खुदा के कानून के मुताबिक। और शिद्दत प्यास में उसी पानी के अंदर डूब जाइए और इस तरह से मर जाइए, ये भी खुदा के कानून के मुताबिक। वो खुदा के कानून की पैरवी करने से प्यास के लिए जो उसने पैमाना मुकर्रर किया है प्यास बुझाने का, उतना पानी पीजिए तो वो जिंदगी बख्श, और उस पैमाने की खिलाफ वर्जी कीजिए, तजावुज कर दीजिए, उसके बाद मटका भर पानी पी लीजिए तो वो मौत लाने वाला। इसका तुम्हें इख्तियार दिया गया है कि जी चाहे तो तुम उतना पानी पियो जिससे तुम्हारी जिंदगी बरकरार रहे, जी चाहे तो तुम पानी में डूब कर मर जाओ। आर्सेनिक के चंद खतरे या संख्ये का एक तिनका हमारी कदीम इस्तलाह में, वो तकवीयत देने वाला आसाब को और नर्व को, वही चंद कतरे अगर वो 50 कतरे बन जाए या माशा भर हो जाए तो वही मौत ले आने वाला। उल्कुल्लन में निंदन, दोनों चीजें खुदा के कानून के मुताबिक। अगर उसके मुकर्रर किए हुए पैमाने के मुताबिक करो तो नतीजा खुशगवारियां, अगर उस पैमाने को तोड़ दो तो नतीजा उसका तबाही और बर्बादी। नतीजा दोनों खुदा के कानून के मुताबिक। बात यह हुई कि खुदा के कानून और उसके मुकर्रर करदा पैमानों के मुताबिक चलते चले जाओ तो नतायज खुशगवार, उन पैमानों को तोड़ दो तो नतायज तबाहकुन, नतायज बहर हार खुदा के कानून मकाफात अमल के मुताबिक। अब इसके बाद आप देखिए कि बात कितनी साफ हो जाती है और उसमें कोई तजाद बाकी नहीं रहता। लेकिन जब कौमों पर तबाही आती है तो उनकी कैफियत यह होती है कि फिर वो अपने तमाम इख्तियार और इरादे को के बावजूद महज जिम्मेदारियों से बचने के लिए अकीदा ये वजह कर लेती है, हर बात अल्लाह के हुक्म के मुताबिक भाई होती है, बंदा बशर तो मजबूर महज है, इसके करने से क्या होता है था? कोई होता है जो मंजूर खुदा होता है। चलिए, गरीबी आ रही है, मुसीबतें आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, ये नहीं है कि हमारी अपनी गलत रविश का नतीजा है, अल्लाह की मर्जी ऐसी है। और ये गरीबी ये मुसीबतें ही नहीं, वो हर किस्म की बददियानती से, हर किस्म की बेईमानी से ये दौलतें इकट्ठी की जाती हैं, हाजम इन फजल रब, जब कोई कौम जिम्मेदारियों से जी चुराती है तो उस वक्त फिर ये अकीदा पैदा कर लेती है कि साहब यहां तो एक पत्ता भी उसके हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता, हमारी क्या जरूरत है कि हम किसी तरह से ये खुद कुछ कर लें। ये अकीदा आपके यहां वजह हुआ जिस जमाने में खिलाफत मलूकियत में बदली है और इन बादशाहों ने आपके लोगों पर मजालिम करने शुरू किए, उसके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद हुई
तो उस वक्त ये अकीदा मुरतब किया गया कि साहब ये बादशाह कौन होता है किसी पे जुल्म करने वाला, खुदा के हुक्म के बगैर तो एक पत्ता नहीं हिल सकता, ये जो कुछ हो रहा है खुदा की मर्जी से हो रहा है। वो एक ही शर्फ जो इंसान को हासिल हुआ था, अता किया गया था, इसका साहिब इख्तियार होना, उससे इसको महरूम कर दिया गया। ये चीज यूं चढ़ाई गई, उसके बाद देखा इस कौम ने ये कि इसके अंदर एक फरेब नफ्स ऐसा होता है जिससे एक झूठा इत्मीनान हासिल हो जाता है, कुछ ना करना पड़े, जो कुछ आ रहा है जो कुछ हो रहा है, अब कोई ना कोई तो कहेगा ना कि मियां तुमने ये क्यों ना किया, ये क्यों नहीं करते, इसमें कुछ करना पड़ता था। लेकिन ये काम जो कुछ करना नहीं चाहती और इस किस्म का काम भी नहीं सुनना चाहती, यह काम अपनी जमीर को भी किसी किस्म के कांटे से नहीं बर्खास्त चाहती, वो अकीदा वजा कर देती है कि नहीं साहब साहब कुछ खुदा की मर्जी से हो रहा है, इंसान कुछ नहीं इस बारे में कर सकता, इंसान मजबूर महज है, इससे क्या होता है। अमल से गाफिल हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना, बहुत बड़ा बहाना, कि मुसलमानों के असबाब जवाल उम्मत के मुतल्लिक जो बहुत लंबी चौड़ी तहकीक की जाती है, असबाब किया बुनियादी सबब ही एक है इसका, इसने ये गलत अकीदा तकदीर का अपने यहां वजह कर लिया। हालांकि कायनात की दूसरी चीजों में और इंसान में एक ही चीज माबाहिल इम्तियाज है, और वो है इसका इख्तियार और इरादा। कायनात की हर चीज के मुतल्लिक ये कहा कि जिस तरह उसे हम हुक्म देते हैं उसके मुताबिक वो करती चली जाती है। इंसान से ये कहा कि ए मलू माशे, तुम जो कुछ चाहो करो, यहां तुम्हारी मशीयत चलती है, हम तुम्हारी मशीयत में दखल नहीं देते। ये भी खुदा की मशीयत थी कि उसने इंसान को साहिब इरादा बनाया। लेकिन साहिब इरादा बनाने के बाद वो इसके इरादे को सलब नहीं करता, वो इसमें फिर दखल नहीं देता। अब ये देखिए कि ये चीज कि अगर खुदा चाहता तो हम ऐसा न करते, अगर खुदा चाहता तो ऐसा हो जाता, ये चीज ऐसी नहीं कि हमने यहां से खुद ही कोई नतीजा मुस्तंबत कर लिया है। कुरान के वाज़े अल्फाज सुनिए इसके बारे में वो क्या कहता है, एक मकाम पे नहीं, मुतअद्दिद मकामात पे ये चीज वो कहता है। मसलन सूरह अनआम में है, फयकूलु लज़ीना अशरकू لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا, ये लोग शिर्क इख्तियार करते हैं और इनसे जब पूछो कि तुम ऐसा क्यों करते हो तो कहते हैं कि अल्लाह, अगर अल्लाह को मंजूर होता तो हम ये करते ही नहीं, ऐसा ना हम ऐसा करते, ना हमारे आबाओ अजदाद ऐसा करते, वला हर्रमना मिन शय, ना हम किसी चीज को हराम करार देते। यानी ये वही चीज है जो हमने से आज हर शख्स कहता है और समझता ये है कि ये बड़ी खुदा परस्ती और दीनदारी और अल्लाह पे ईमान की निशानी है कि हम कहते ये हैं कि अगर अल्लाह को मंजूर होता तो हम ये करते ही नहीं। कजाने का कदम अल्लज़ीना मिन कबले हत्ता ज़ाकू बासना, कितना बड़ा झूठ है ये जो बोल रहे हैं, इनसे पहली कौमों ने भी यही कुछ किया और ये झूठ वो था कि जिसका नतीजा सख्त अजाब था हमारा। जो कौमें हाथ पे हाथ धर कर इस तरह से तकदीर के गलत अकीदे पर जम के बैठ जाती हैं,
अल्लाह का अजाब तो उनको घेर लेता है। कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुखरजू हो लना, इनसे कहो कि तुम्हारे इस अकीदे की ताईद में कोई इल्मी दलील है तुम्हारे पास? वही की दलील, आम इल्मे इंसानी की दलील, अगर कोई दलील है लाओ पेश करो उसे। और उसके बाद कुरान कहता है इन तत्तबेउन इल्ला जन्ना व इन अंतुम इल्ला तखरुसून, इनसे कहो कि तुम महज अपने जन्न और क्यास की इतवा करते हो, तुम महज अटकलें दौड़ाते हो इस मामले के अंदर, न तुम्हारा ये अकीदा अपने बसीरत की बुनियादों पर है न वही खुदाबंदी के मुताबिक। और ये बिल्कुल जन्न और क्यास, बिल्कुल अटकलें दौड़ाने वाली चीज, इसको तुमने जिंदगी का एक मोहकम अकीदा बना रखा है और उसका नतीजा ये है कि जिल्लत और मस्कनत का अजाब चारों तरफ से तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो रहा है और तुम इस अजाब से किसी सूरत में निकल नहीं सकते ता वक्त के इस अकीदे को छोड़ के ये अकीदा न रखो कि अपने हर अमल के जिम्मेदार हम खुद हैं और हर अमल का नतीजा सामने आकर रहेगा। अल्लाह ताला ने कवानीन बनाए जिनके मुताबिक नतायज मुरतब होते हैं। इंसान को उसके बाद उसने साहिब इरादा बना दिया कि वो जी चाहे तो उनके मुताबिक अमल करे, जी चाहे तो उनके खिलाफ वर्जी करे, करेगा जैसा उसके मुताबिक उसका नतीजा मुरतब हो जाएगा। लिहाजा बिरादरान अजीज, इस इतनी सी चीज को सोचिए कि जिसे हम हर रोज दानिस्ता या नादानिस्ता दोहराते चले जाते हैं, क्योंकि अगर अल्लाह को ऐसा मंजूर होता तो होता ही क्यों ये सब कुछ, खुदा को मंजूर ही नहीं था इस वास्ते ये कुछ हुआ। और फिर उसके बाद यहां तक नौबत पहुंच जाती है और फिर इंसान का ये ईगो है, जहां हमें कामयाबियां होती हैं, जहां हमें कुछ हासिल होता है, हमारी मर्जी के मुताबिक नतीजा मुरतब होता है, वहां तो हम ये समझते हैं कि साहब हमने ये किया और उसके बाद ये कुछ हो गया, मैंने साहब वहां जाने के बाद फिर वो ये किया और वहां से उसको दौड़ाया और इसमें ये काम हुआ और उसके बाद ये किया और वो किया, सारी कोशिशें अपनी होती चली जाती हैं ना, उसके बाद देखिए उसे किस तरह से मारा, कैसे ले आया हूं, ये कामयाबी होती क्यों ना साहब, मैंने ये किया और वो किया। और जब अपनी ही किसी गलत तदबीर फुकदान अमल की बिना पर कोई चीज उल्टी पड़ जाती है तो साहब वही कैसे हो गया, साहब अल्लाह तो मंजूर ही ऐसा था, क्या किया जाए, खुदा की मर्जी। यानी हर बिगाड़ने वाला काम जो है वो खुदा करता है इनका, और जहां काम संवरते हैं सारा क्रेडिट इनको जाता है। ये आप देखते हैं कितना बड़ा ये फरेब नफ्स, खुदा की मर्जी। बेटे पैदा होते चले जाते हैं, कोई नहीं कहता कि साहब खुदा की मर्जी है ये, जो ही दो तीन बेटियां पैदा हुई है एक और आ गई और रुके आगे, साहब अल्लाह की मर्जी है, वो आगे भी उसको पुरसा देता है, यानी जैसे ताजियत हो रही है ये जो नई बेटी पैदा हो रही है, ओके मियां अल्लाह की मर्जी है ना, ये खुदा जी को जैसे मंजूर होता है। आप देख मौत वाकई होती है जवान की और उसके बाद आती है मियां ये क्या हुआ सर, अल्लाह की मर्जी है साहब, क्या किया जाए, अपनी तरफ से तो बहुत दौड़ धूप की थी, बड़े इलाज किए, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब अल्लाह ही को मंजूर नहीं था तो क्या कर सकता है इंसान। यानी हमने उसकी मंजूरी के बावजूद उसके खिलाफ तो बहुत कुछ कर देखा, वो अगर अच्छा हो जाता है तो ये तुम्हारी इस सब कुछ करने का नतीजा होता, और माफ रखिएगा फिर इसका क्रेडिट हकीम साहब को, डॉक्टर साहब को भी मिल जाता, किसका इलाज है साहब उनका, साहब क्या बात है उनकी, साहब अल्लाह अकबर, दिल्ली में सरसों जमा देते हैं साहब, मौत वाकया हो जाए
ये खुदा की मर्जी ऐसी है तो उसमें क्या आदमी बंदा बशर है, चारा ही कार क्या है साथ? अपनी तरफ से तो सब कुछ कर देखा। गौर फरमाइए आप बिरादरान अजीज, तो ये बातें सूई हंसी की नहीं है, जिंदगी के बड़े गहरे हकायक हैं। याद रखिए जितनी चीजें हम रोजमर्रा यूं ही अल्फाज इस्तेमाल करते चले जाते हैं उनके पीछे एक बड़ी नफ्सियाती हकीकत होती है। हम तो इस्तेमाल कर जाते हैं इसलिए कि नादानिस्ता जुबान पे ये चढ़े होते हैं लफ्ज, वो जुबान पे चढ़े की मिसाल जो मैं बयान किया करता हूं आम तौर पर, कि जब किसी से कहा जाए कि साहब तुमने झूठ बोला तो वो कहता साहब मुझे क्या जरूरत थी मैं झूठ बोलता, यानी अगर जरूरत होती तो झूठ बोल भी देता, मुझे जरूरत क्या थी तो मैं झूठ बोलता। फिक्रे हैं हमारे यहां जुबान पे चढ़े हुए लफ्ज, खुदा को मंजूर ही ऐसा था साहब, अल्लाह की मर्जी ऐसी थी जो हमने ये कुछ किया, लेकिन आज तो ये अल्फाज हम गैर दानिस्ता बोलते हैं, हम इसको महसूस नहीं करते कि हमारे तहत शऊर में एक अकीदा एक नजरिया जिंदगी का बना हुआ होता है जिसका मजाहरा इन गैर शऊरी अल्फाज में होता है। इनको गैर शऊरी ना कहिए, अन इंटेंशनली बजाहर हम बोलते हैं, ये अन इंटेंशनल नहीं होते। सब कॉन्शियस के अंदर गैर शऊर के अंदर हमारे एक अकीदा होता है जिसे हम अनकॉन्शियस किसी चीज का इजहार कहते हैं, ये अनकॉन्शियस माइंड का मुजाहरा होता है। और सोचिए कि जो एतकादात अनकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में गैर शऊर नफ्स की गहराइयों में जा पहुंचे हुए हों उनका निकालना कितना मुश्किल होता है। शऊरी तौर पर जो आप अकायद रखते हैं दलायल से बसीरत से समझाने से वो रफा हो जाते हैं, आसान होता है उनका रफा करना, लेकिन ये जो तहत शऊर में होते हैं उनकी कैफियत ये है कि आपको पता ही नहीं चलता कि वो किस तरह आपको गलत रास्तों के ऊपर लिए चले जाते हैं। सोचने से आप कुछ और सोच रहे होते हैं, ये जैसे आप उस रास्ते पे चले जिस पे अक्सर चलते रहे हों और फिर पांव को लग जाए वो रास्ता जिसे आप कहते हैं, आप देखते हैं कि आप वहां से निकलते हैं घर से और फिर खुद ब खुद पांव उस रास्ते पे चलते हैं, आप कुछ सोच और रहे होते हैं, फिक्र कहीं और होता है, ख्यालात कहीं और होते हैं, वो खुद ब खुद चलता है पांव, खुद ब खुद रास्ता मुड़ता है, मोड़ आता है, उधर ही चला जाता है, कभी नहीं आप रास्ता खोते। ये है नफ्स से तहत गैर शऊरी नफ्स की कार फरमाई। ईमान के माने ये हैं कि ये जो तहत शऊर के अंदर खराबियां पैदा हो चुकी हैं उनको निकाला जाए। कुरान फी कलूबहिम मरदुन कहता है, इनके दिलों के अंदर रोग है, जहनी नहीं है। आप सोचिए बिरादरान अजीज, जब इस किस्म के अकायद हमारे तहत शऊर की गहराइयों में पहुंचकर एक सरतान बन चुके हों, कैंसर बन चुके हों, उनका निकालना कितना मुशक्कत तलब कितना मेहनत चाहता है, लेकिन कुरान निकाल सकता है इसलिए कि उसने दावा किया है कि मां शिफाउल लिमा फिस सुदूर हूं, दिल की बीमारियों का इलाज कर सकता हूं। इंसान की नफ्सियात को बदल देता है कुरान, बशर्ते के इसने जो अकायद दिए हैं उन अकायद पर ईमान रखा जाए। ये नहीं कि जो कुछ होता चला आ रहा है उसे ही हम सदाकत समझ लें और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करते चले जाए, फिर तो वही है वो पहुंच रास्ता जो लगा हुआ होता है, जितना ज्यादा उस रास्ते पे चलते चले जाइए उतना ही ऑटोमेटिक जिसे आप कहते हैं वो ऑटोमेटिक हो जाता है। हालांकि दुनिया में याद रखिए कोई चीज ऑटोमेटिक नहीं होती, खुद ब खुद कुछ नहीं हो रहा होता। ये जो आप इस तरह से इस रास्ते पे चल रहे हैं ख्याल कहीं और होता है, ये भी खुद ब खुद नहीं हो रहा, शऊर की दुनिया कुछ सोच रही होती है, आपका क्या तो शऊर आपको इस रास्ते पे चला रहा होता है। हमारी कौम
یا ہر وہ مذہب پرست قوم جو یہ دلیل دے آپ کو اپنے کسی عقیدے یا مسلک یا رسم کی تائید میں کہ صاحب ہمارے ہاں آبا و اجداد سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، سمجھ لیجئے کہ وہ تحت شعور کے ماتحت چل رہی ہے قوم، شعور سے کام نہیں لے رہی، آبا و اجداد سے جو چیز آتی ہے سوشیالوجی کے جاننے والے جانتے ہیں کہ دو چار نسلوں تک ایک عقیدہ متوارث جب چلا آئے وہ تو انسان کے دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو جاتا ہے. اگر واقعی اس قوم نے مسلمان ہونا ہے برادران عزیز قرآن کے معیار کے مطابق، تو اسے ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کر خواہ وہ کتنے عزیز تنیم معتقدات کیوں نہ ہوں، دیکھنا یہ ہوگا کہ قرآن کی روح سے ان میں سے کون صحیح ثابت ہوتا ہے کون غلط ثابت ہوتا ہے، اور جو صحیح ثابت ہوتا ہے اسی کو رکھا جائے پھر تو اس کی کوئی صورت ہو سکتی ہے بچنے کی، ورنہ اس طرح متوارث چلے جانے سے تو یہ وہ برف کا بال ہوتا ہے، جتنا زیادہ لڑکاتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ یہ پھیلتا چلا جائے گا. کہنا یہ رہا تھا کہ قرآن کریم نے اس عقیدہ کو جڑ سے نکالا ہے، جہاں یہ کہا جاتا ہے قل قل من عند اللہ، اس کا مفہوم اس نے دیا ہر عمل کا نتیجہ خدا کے قانون کے مطابق مرتب ہوتا ہے. جہاں یہ چیز کہی کہ صاحب خدا اگر چاہتا تو ایسا کیوں نہ ہو جاتا، قرآن نے چار پانچ مقام سے اسے دہرایا ہے اور کہا ہے کہ یہ مشرکین کا عقیدہ ہے، یہ کفار کا عقیدہ ہے. وہ لوگ یہ بات کہتے تھے جب ان سے کہا جائے تو سوچیے برادران عزیز، اب قرآن کے اتنے کھلے ہوئے الفاظ کے بعد میری کسی مزید تاکید کی ضرورت کیا رہتی ہے؟ آپ خود ان مقامات کو دیکھیے، ایک ریفرنس میں نے دی ہے 6:149 سورہ انعام کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی، اسی کو اس نے دہرایا ہے 16:35 16:35، پھر اس نے دہرایا ہے 36:47 36:47، پھر اس نے دہرایا ہے 43:20 47:20. کم از کم انہی آیات میں آپ دیکھیے گا کتنی بار قرآن نے یہ چیز کہی کہ یہ چیز کہنے والے کہ اگر خدا چاہتا تو ایسا نہ ہوتا، ہم ایسا نہ کرتے، اپنی ذمہ داریوں سے شرک کرتے ہیں. اس کا الزام اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے، اور کہا کہ یہ بالکل اٹکل ہے، نہ علم پہ مبنی ہے نہ عقل پہ مبنی ہے نہ وحی پر مبنی ہے، محض ذمہ داریوں سے جی چرانے کے لیے یہ ایک بہانہ ہے جو ان کے نفس نے وضع کر رکھا ہے، اور اس کو قرآن نے سب سے بڑا جھوٹ قرار دیا. باقی رہا یہ کہ رسول جو پیغام دیتا ہے اس میں بعض لوگوں کا اس کے مطابق زندگی بسر کرنے سے نظر آتا ہے کہ بعض لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، یعنی ان کا کہ جو اس کے خلاف زندگی بسر کرتے ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے ارسلنا کا للناس رسولا، ہم نے صرف اس گروہ کے لیے تو تمہیں رسول بنا کے نہیں بھیجا تھا کہ انہی کے مفاد کا تحفظ کرتے رہو، تم پوری نوع انسانی کی طرف رسول ہو. وکفا باللہ شہیدا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے اوپر اللہ کی نگرانی کافی ہے، ہر عمل تمہارا اس کے مطابق نتیجہ پیدا کر کے رہے گا. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. یاد رکھو، پھر اسے دہرا دے، یہ نہیں کہ تم اپنے طور پہ جو سمجھو کہ ہم خدا کی اطاعت کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پہ انفرادی طور پر تو وہ خدا کی اطاعت ہو جائے گی، یہ بات نہیں ہے. یہ ایک نظام ہے زندگی کا، اس نظام کو متشکل کیا ہمارے اس رسول نے، اس لیے جس طرح سے یہ خدا
खुदा की अतायत कराता है उसका नाम खुदा की अतायत है, ना कि तुम अपने अपने तौर पे जैसे अतायत करो वो खुदा की अतायत हो जाती है। ये वो दूसरी गलत रविश है जिसमें हम माखूस चले आ रहे हैं कि अपने अपने तौर पर हम जिस तरह चाहते हैं इस्लाम के ऊपर अमल कर रहे हैं। नतीजा उसका ये कि कहने को 72 और फिर हकीकत 72,000 फिरकों के अंदर आप बटे हुए हैं। इतायत खुदाबंदी एक मरकज की विसात से की जाएगी तो फिर हकीकत में इस्लाम आपके सामने आएगा, और यही वो चीज है जिसे बार बार मैं मरकज मिल्लत कहा करता हूँ। ऐसा निजाम, उसकी सेंट्रल अथॉरिटी जो खुदा की इतायत तुमसे कराए, वो शक्ल होगी, फिर इस्लाम अपनी हकीकी शक्ल में सामने आएगा। और उस वक्त फिर ये चीज कभी नहीं कही जाएगी कि साहब अगर खुदा को मंजूर होता तो ऐसा क्यों ना हो जाता, उसने ही ऐसा नहीं चाहा इसलिए ऐसा नहीं हुआ। फिर हर काम उसके कानून के मुताबिक होगा और हर काम का नतीजा उस कानून के मुताबिक निकलेगा। आयत 80 तक हम आ गए बिरादरान अज़ीज़, इसके बाद आइंदा दर्स में हम लेंगे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्ना का अंत।